एसबीआई का वीकली चार्ट लगा हुआ है, टॉप डाउन अप्रोच इसमें रखेंगे और हम इसमें इसी के बेसिस पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब कि हम वीकली मंथली चार्ट पहले देख लेंगे, मंथली चार्ट वीकली चार्ट इस टाइप से हम छोटे टाइम फ्रेम पर तक आते जाएंगे। अब देखिए वीकली चार्ट हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसका मंथली चार्ट भी देखेगा तो उसमें भी आपको शानदार स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया था कि देखिए एसबीआई जो है एक लॉन्ग टर्म 12 साल का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कर चुका है। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के बाद देखिए यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट चल रहा है, ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है ऊपर की तरफ। ये आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट हुआ है तो ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ यहाँ से देखिए निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 20 EMA के पास सपोर्ट भी ले चुका है, 9 EMA के पास भी सपोर्ट में है। अब इसका वीकली चार्ट को समझिए, जब आपका मंथली चार्ट में सब कुछ क्लियर कट बाइंग साइड का है तो इसको हम वीकली चार्ट में देख लेते हैं। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए बार बार यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से देखिए निकला, लेकिन ये ट्रेंड को चेंज नहीं कर रहा, टाइम पास करके ऊपर की तरफ निकल रहा, फिर यहाँ से टाइम पास कर रहा है और एक पैटर्न टाइप का भी फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो पैटर्न है यहाँ से देखिए एक रेंज टाइप का फॉर्मेशन है, और रेंज का अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है। तो मिनिमम टारगेट कहाँ तक आएगा, मिनिमम टारगेट आएगा ये प्रीवियस हाई तक और इसके ऊपर भी जाएगा। इसको अगर इसको हम पूरा मेजर करें तो ऊपर की तरफ जितना भी आएगा, मैं आपको अब कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ डेली चार्ट में, तो उसी के बेसिस पे हमारा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस क्या होगा डेली चार्ट में ही देख लेते हैं, तो इसका हम डेली चार्ट करते हैं। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे ये देखिए डेली चार्ट में क्या है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। देखिए क्या हो रहा है कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, बार बार इस सपोर्ट के पास आया, मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट किया और वापस आ गया। अब इस सपोर्ट को तोड़ता है तो ये फिर ब्रेकडाउन की तरफ आ जाएगा, लेकिन इस सपोर्ट से पहले ही हमारा ये एक स्विंग लो भी है, तो यहाँ पे एक मेजर ब्रेकआउट हो रहा है, यहीं से हम एंट्री कर लेते हैं। टारगेट 1 रखेंगे जो प्रीवियस हाई है यहाँ तक, जो कि 630 के आसपास के है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि 630 के बाद ऊपर की तरफ अगर कंटिन्यू करता है तो ये पूरा रेंज को नापेंगे, और इसका अगर हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा 690, यानी कि 590 का करंट रेट चल रहा है। 100 पॉइंट का टारगेट के लिए हम ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 30 पॉइंट का। तो ये आप इसमें कैश में भी कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में करते हैं तो उसको आपको मैनेज करना चाहिए तो कर सकते हैं। बाकी इसमें डिस्क्लेमर ये है कि एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेड या इन्वेस्ट लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए, और इन्फॉर्मेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।